वेलकम टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद AFS। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना पुलाव बनाने की रेसिपी। चलो मैं शुरू करती हूँ। जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 कप चने लिए हैं जिसे मैंने रात में भिगो दिया था और सोडा डाल करके इसे मैंने बॉयल कर लिया था। ठीक है, ये देखें इस तरह से बॉयल हुआ है। ठीक है, अच्छा 2 कप चने हैं, आप चाहे तो बराबर चावल ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिए हैं। चावल को मैंने साफ करके धो के भिगो दिया था। 1 अदद दरमियानी प्याज लिए मैंने, 1 अदद प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। जब मेरी राइस तैयार हो जाएगी तो मैं इस पर गार्निशिंग करूँगी। 4 अदद हरी मिर्चें लिए, थोड़ा सा पुदीना लिया है और मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, बादियान का फूल लिया है मैंने 1 अदद और काली मिर्चें ली हैं मैंने 8 से 10 और लौंग लिया है मैंने 2। ठीक है, छोटी इलायची या बड़ी इलायची मैंने 2 अदद लिए हैं, पीसा हुआ ये गर्म मसाला है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं और दालचीनी के ये 3 से 4 स्टिक्स लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने यहाँ पे 5 अदद बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें थी जिसे मैंने इस तरह से आवन दस्ता में कूट लिया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें मैं पीसी मिर्चें नहीं यूज़ करूँगी, इसमें मैं हरी मिर्चें यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये इसमें इसे रेसिपी में जब हरी मिर्चें मैं डालती हूँ तो। ठीक है, अच्छा यहाँ ये टमाटर लिया है मैंने, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिस तरह मैंने स्लाइस में काट लिया है और ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किया था। ठीक है, इसमें अब मैं ये सबसे पहले ये गरम मसाला डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं प्याज ब्राउन कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए प्याज बस मुझे इतना ही ब्राउन करना था। ठीक है, अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक को मैंने इसमें सही से सॉल्व कर लिया है। अब इसमें ये मैं पीसी हुई कुटी हुई जो मेरी हरी मिर्चें थी वो डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं ये जीरा 1 टेबल स्पून जीरा जो मैंने लिखाया था बताएगा सॉरी वो डाल रही हूँ। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब हम यहीं पर ये जो स्लाइस किए टमाटर थे टमाटर डाल दूँगी और ये नमक हसबे ज़रूरत भाई मैंने थोड़े से डाले हैं, थोड़ा कम ही डाला है कि अगर मुझे नींद होगी तो मैं और डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ी सी तेज़ भूनूंगी थोड़ा सा पानी डाल करके ताकि ये थोड़ा सा टमाटर गल जाए। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें चने डालूँगी। देखिए 5 मिनट बाद फिर मैं इसे देख रही हूँ, टमाटर को मुझे बहुत ज़्यादा इसमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए ताकि जब मैं इसमें चने डाल के भुनाई करूं तो चने फिर मेरे मैश ना हो, गल ना जाए, बहुत ज़्यादा चूर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले थोड़े से टमाटर को सॉफ्ट कर लिया, अब मैं चने को डाल करके इसमें इसकी थोड़ी सी भुनाई करूंगी ताकि चने में सारे मसाले सही से जज हो जाए। अब मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 4 कप पानी डाल दिए हैं, अब मैं इसे ढक रही हूँ और ये जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चावलों को डालूँगी। ठीक है, ये देखिए ये पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। मैंने चावलों को डाल दिया इसमें इस तरह चला के, अब इसे मैं एक बॉयल आने का वेट कर रही हूँ, इसका एक बॉयल आ जाएगा फिर इसे मैं ढक दूंगी। ये देखिए ये इसमें बॉयल आ गया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें जो 1 टीस्पून गरम मसाला बताया था मैंने वो डालूंगी और ये पुदीना और हरी मिर्ची को मैंने कट लगा लिया है, इसे डालकर इसे मैं चलाकर अब बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे रख दूँगी। ये देखिए इसे मैंने चला दिया है। ठीक है, अब बिल्कुल इसे मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसे ढक दूँगी।
जब तक मेरे चावल तैयार हो रहे हैं, चलिए मैं आपको सैलेड बताती हूँ जो इसके साथ अब ये सैलेड खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको ये चावल और सैलेड। अब मैं आपको जो सैलेड बता रही हूँ ये सैलेड बहुत ही टेस्टी होता है, आप ये चना चावल के साथ खाएं या फिर आप किसी भी बिरयानी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के बनता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप दही लिया है, इसे मैंने फेंट लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, खीरा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, आप इसमें खीरा भी डाल दें। ठीक है, तो ये पुदीने के पत्ते लिए और हरी मिर्च और ये लहसुन, इन तीनों को आप चाहे तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, वैसे मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसे आप आवन दस्ते में कूट लें। ये कूटा हुआ जो होता है ना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस स्पेशली रायता या आप सैलेड कुछ भी कह लें इसमें। अब इससे आप इसका इन दोनों का सैलेड रायता ही बनाना चाहें तो ये बहुत मज़े का रायता बनेगा। पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन के साथ आप दही में डाल दें, नमक डाल दें, बस इनफ, ये बहुत टेस्टी आपको एक रायता बनेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, इसे मैं आवन दस्ता में कूट के आपको ला के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने इस तरह से कूट लिया है आवन दस्ता में और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और ये मैंने जो कूटा हुआ है पुदीना और हरी मिर्ची और लहसुन ये डाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ। असल में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये सिर्फ आप इसे रायता भी बनाएं तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसकी अभी लुकिंग देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा, ये देखिए आप, ये कितना प्यारा है। सिर्फ अभी इसे रायता की तरह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अब इसमें हम सैलेड डालेंगे तो ये और ही यमी और टेस्टी हो जाएगा। आप इसमें खीरा, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल करके सैलेड तैयार करें। मेरे पास अभी खीरा अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, चलो मैं इसे आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये सैलेड तैयार हो गया है, ये देखें, इसे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि ज़ाहिर है हमें इसे चावलों में खाना है तो इसे थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी डाला। ये देखिए आप, इसमें मैंने ये 3 टेबल स्पून पानी डाला था और ये सैलेड तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये मैंने चावलों को जब दम दिया था तो इसे मैंने ये कपड़ा भी रख दिया था इसमें ताकि इससे बहुत अच्छा दम लगता है फिर। ठीक है, ये देखिए चावल बिल्कुल तैयार हैं, ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। आप ये देखें चावल बिल्कुल तैयार है, वैसे मैं डिश आउट करती हूँ। ठीक है, ये देखें चावल बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और ये मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखे थे इससे मैंने इसे चना पुलाव की गार्निश कर दी है और ये सैलेड भी तैयार है। आई सजेस्ट कि आप इस सैलेड के साथ ज़रूर इस चावल को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।